भाई एक तो भारी है और बहुत ही ज्यादा दूर से आए सामान हमारे पास। फिलहाल पता है कितना हो रहा है, 8:30 और मेरी नींद खुल गई थी 4 बजे। मतलब मैं सीरियसली 4 बजे से बेड पे मछली बना पड़ा हूँ, नींद ही नहीं आ रही है। बहुत बार कोशिश की यार मैंने, नींद ही नहीं आ रही। भाई मोटू इसको सिर्फ घूम ही समझ में आता, किसी का फोन आ गया, रुक जा, बाय। आज हमारा मन किया कि भैया हमारी जो थार है वो भी हमारी है और इससे भी हमें उतना ही प्यार है, तो थार को लेके चलो। हाँ, काफी दिन BMW फॉर्चुनर, भाई ये वाली जो फीलिंग है ना, क्यों मन किया, क्योंकि अभी गोवा से भी हमारे पास एक थार आई है ना, तो उसको देख के मन कर गया। मैंने कहा भाई मेरे पास भी ये गाड़ी है और मैंने काफ़ी टाइम से चलाई नहीं है, बस इसको यहाँ पे घुमाने में थोड़ा सा मशक्कत लग रहा है क्योंकि पीछे हमारी गौ माता है एंड वो गाड़ी के जस्ट पीछे ही थी। हट जाओ। तो आज थोड़ा लेट हो गया यार मेरे को ना, वही बताया ना, 4 बजे नींद तो खुल गई थी, उसके बाद मैं गिर गया बेड पे और फिर मेरी आँख लग गई तो मिला जुला के ना आज थोड़ा सा लेट है, बट कोई बात नहीं यार, काम वाम सारा स्टार्ट हो गया एंड अभी से लेके वीकेंड तक ऐसा ही चलना है। एंड एक गुड न्यूज़ भी है, गुड न्यूज़ है कि अज्जू भाई वापस आ गए। हाँ, अज्जू भाई केदारनाथ में बाबा के दर्शन करके वापस आ गए, तो हमें केदारनाथ का प्रसाद मिलेगा, प्लस हमें एक और चीज़ मिलेगा। क्या मिलेगा? रेंज रोवर की डिलीवरी। हाँ, कभी कोई गायब कभी कोई गायब। सौरभ भाई को मैंने कल बोल दिया था, या तो ले लो या तो भूल जाओ, कह रहे भूल तो सकते नहीं, मैंने कहा तो फिर ले लो जल्दी तो लोग ऐसे क्यों चलाते यार। हाँ चलो, उसकी गलती नहीं थी, मजाक कर रहा था। आय हाय, फील आ गई यार, फील आ गई। डीजल टैंक भी इसमें फुल है, एकदम लबालब भरा हुआ है। इसको हटाएं पहले यहाँ से यार, ये थोड़ा सा ना उबड़ खाबड़ में हिलने लगता है, बाकी नहाने वहाने के बाद थोड़ी तो आंखें खुल रही हैं। अदरवाइज तो सीरियसली बताऊँ तो सीधे 10:30 बजे मेरी नींद खुली और 10:30 बजे मुझे नींद खुल के याद, भाई इस गाड़ी को मैंने ज़्यादा चलाया नहीं है, मैं सच्ची बता रहा हूँ माता रानी कसम। और देखो आवाज़ कैसे कर रही है पीछे, पता नहीं क्या आवाज़ करता है साला, कौन सा ऐसा पार्ट है जो रखे रखे गाड़ी में ढीला हो रहा है, है? कोई तो ऐसा पार्ट है जो साला, कोई बात नहीं, नो इश्यूज एट ऑल। इसमें जब तक ये आवाज़ नहीं आती मज़ा भी नहीं आता। अभी फटाफट यहाँ से भाग लेते हैं ऑफिस, ठीक है। बैंक से कुछ लोग आ रहे हैं एंड इस वीक में अपने को 7-8 गाड़ियाँ डिलीवर करनी है और वीक बचा है हमारे पास मात्र 3 दिन, सॉरी 3 दिन, ओनली 3 डेज में वो गाड़ियाँ रेडी करके डिलीवर करनी है। तो सब पे काम चल रहा है, जो फाइनल फिनिशिंग वगैरह है ना वो सारा करके लोगों को उनकी अमानत वापस कर देनी है। मैंने बोला ना इस थार को देख के ना सीरियसली मेरा मन कर गया कि आज थार लेके आते हैं। अब दोनों में देखो, बम्पर ऑलमोस्ट गोवा नंबर अलग दिख रहा है और ये हमने ग्लॉसी ब्लैक पेंट कराया था इसमें। हाँ, ये ग्लॉसी ब्लैक और जो नॉर्मल बम्पर आता है वो ऐसा आता है और बाकी भी ग्लॉसी पेंट हुआ है। जो साइड क्लैडिंग आप डिफरेंस देख सकते हो, ये साइड क्लैडिंग अभी तो मास्किंग हो रही है क्योंकि इस पर काम चल रहा है, और ये बट इसके जो टायर्स हैं ना वो बहुत ही ख़तरनाक लग रहे हैं यार, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक। भाई अब जाके मैंने वीडियो लाइव किया है क्योंकि 12 बजे है, 11:30 थंबनेल ही नहीं बनाया था यार, कल रात में सो गया था मैं। और यहाँ अरे यार मैसेजेस मत पढ़ लेना मेरे, वो मिसली। हाँ अब चाय दिन भी ऑफिस आते आते अगर तुरंत ब्रेकफास्ट नहीं करो ना उसके बाद नहीं हो पाता, बिल्कुल टाइम ही नहीं रहता कि आप ब्रेकफास्ट कर लो। सौरभ भाई भी आ रहे हैं, ठीक है, तो वो जो कल अपनी डिस्कशन थी ना उसमें से बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग थी तो आज डिसाइड करेंगे। बाकी मैंने वीडियो में तो डाल ही दिया है कि क्या प्लान है आगे एक्सपेंशन का हमारा, प्लस दूसरा वेंचर अपना कैफ़े। कैफ़े के लिए भी कुछ कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलेगा और जगह के साथ मिलेगा। हमें काफ़ी टाइम लगा लेकिन ये बड़ा सा कॉफिन देख रहे हो, हाँ ये बड़ा सा कॉफिन, इसमें कुछ तगड़ा सामान है यार, तगड़ा भयंकर तगड़ा, ऐसा लग रहा है ना कि भाई पता नहीं किसी के लाश वाश ना, ऐसा टाइप से लग रहा है। ओ भाई गिराना मत, ठीक है, हेल्प करूँ क्या? नहीं सर। पक्का? भाई बहुत
भाई एक तो भारी है और बहुत ही ज़्यादा दूर से आया ये सामान हमारे पास, बहुत ही जब ये लगेगा ना। एक मिनट एक बार रख दो, नहीं नहीं आ जाएगा आ जाएगा। उठा के ये बीच में फंस रहा है। हाँ चलो भाई ये अंदर चला गया। इसमें एक इतना तगड़ा सामान है ना, इतना तगड़ा सामान जिसका वेट हम ना काफ़ी सालों से कर रहे थे। हाँ सालों से तो नहीं, महीनों से तो ज़रूर कर रहे थे। एक कस्टम में ये सामान हमारा फंसा पड़ा था और ये ख़तरनाक सामान है। जब लगेगा तो इसका वीडियो पक्का आएगा, जब खोलेंगे ना तब भी आएगा, ताकि आप लोगों को एक पता तो चले। बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कौन सा सामान है। ऐसा सामान आता रहेगा हमेशा भाई। क्या हालत हो जाती है ना। हाँ मिला जुला के, ओहो ऊपर नीचे इतनी बार, एक दो बार नहीं भाई, इतनी ज़्यादा बार। आज पता है कितना टाइम हो रहा है, मैं बताऊँ कितना टाइम हो रहा है, कहाँ से दिखाऊँ आपको, रुको दूसरा मोबाइल भी तो है ना मेरे पास, उसमें दिखाता हूँ। 5 बजने वाले हैं। हाँ अब जाके थोड़ा सा कुछ खाना खाएंगे और उसके बाद वेट करेंगे। आज हमने 2 गाड़ियाँ डिलीवर करनी है, तो दूसरी गाड़ी पे ऑलमोस्ट जो फिनिशिंग वाला काम है ना, हमेशा कुछ ना कुछ करके ना चैलेंज आता रहता है यार लाइफ में। और हर दिन कोई ना कोई चैलेंज आता है, हर दिन कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, डेडलाइंस होते हैं, कमिटमेंट्स होते हैं, ठीक है। एंड कस्टमर के चेहरे पे वो स्माइल भी आनी चाहिए। हाँ आ जाओ ना, क्या चाहिए? हाँ बताओ ना भाई। यहाँ पे स्टोर में ना अपने खर्चे होते ही रहते। तो एक और चीज, आ जाओ भैया, आ जाओ। ये है जी अपना एक मस्त सा सामान, पहले भैया को फारिग करें जल्दी। थैंक यू भैया। ऐसे नहीं दिखाना है, ऐसे दिखाना है। हाँ भाई, तो अपन ने मंगवाया है ये, हाँ सैमसंग का फ़ोन एक यार, ये ऑफिस के लिए मंगवाया है ये फ़ोन। इसके पीछे प्राइस कितना लिखा है भाई, लिखा है 26,000 रुपये। लेकिन ये अपने ने मंगवाया 18,500 रुपये। इसका अनबॉक्सिंग करेगा, एक हाथ से कैमरा एक हाथ से अनबॉक्सिंग। चलो कोई बात नहीं, अपने को कटर वटर की भी ज़रूरत नहीं है, अपने नाखून ही इतने बड़े हैं ना भाई, नहीं कटर की ज़रूरत है। चलो भैया, ये हमने गाड़ी की चाबी की अनबॉक्सिंग इस कटर से की थी, इसी से हम फ़ोन की अनबॉक्सिंग भी करेंगे, बस हाथ में ना लगे। एक हाथ से यार, एक स्टैंड लाना पड़ेगा कैमरा होल्ड करने के लिए, कभी कभी ना ये अनबॉक्सिंग के लिए ना स्टैंड सही रहता है। हाँ चलो भाई आपको दिखाते हैं फ़ोन कैसा है। गैलेक्सी M34, पता नहीं कैसा फ़ोन है बट सस्ता सस्ता था। अरे यार ये तो सही है यार, सही लग रहा है गुरु। भाई ये है, ओ भाई इन्होंने भी चार्जर नहीं दिया ना। अरे यार बहुत बदमाश है यार, फ़ोन तो सही है यार। हाँ बात तो सही है, फ़ोन सही है भाई। और ये है 8 GB 128 GB रैम, ये अपने ऑफिस के नंबर के लिए, ये अपनी टीम के पास रहेगा। चलो अच्छा है भाई, हम इस पे डिसाइड कर रहे हैं। अरे वाह, ये हमने पेंट किया ना। हाँ ये सिल्वर में था ना। से देखो आप सर, भाई तगड़ी लग रही है यार। हाँ लगाऊं ना भाई, एक बार फिर भी सर से पूछेंगे, मेरे को तो ऐसे भी बहुत ख़तरनाक लग रही है ना ये। इस गाड़ी पे ना हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, और एग्जैक्टली जैसे मेरी है ना ब्लैक, जैसे स्टार्टिंग में थी ना, एग्जैक्टली उसकी रेप्लिका। मतलब ये सारा, ये तो पूरा वीडियो आ रहा है ETU स्टूडियो पे, हमने क्या क्या इसमें किया है ना, वो सारी चीज़ें भाई, जो किलर लग रही है ना ये गाड़ी। और ये 4x2 है, एलॉयज कैलिपर्स, हाँ यहाँ पे पॉक्सी फॉर्चुनर। एग्जैक्टली मुझे अपनी गाड़ी की याद आ रही है इसको देख के ना भाई साहब। पीछे भी पूरी ब्लैक्ड आउट, हाँ ये देख रहे हो भाई साहब। और एग्जैक्टली सेम चीज़ उस पर भी हो रही है, वो सफारी भी बहुत ही ब्लैक एंड रेड का जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ही किलर यार, टच हो गया, नज़र ना लगे बस। हाँ कलर देख रहे हो भाई, क्या ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। अब बस सर का वेट कर रहे हैं, सर आए और फिर उनको हम ये गाड़ी डिलीवर करें। उनके सरप्राइज़ को ना भाई मज़ा आ जाएगा, जब उनका फेस एक्सप्रेशन कैप्चर कर पाए ना हम अच्छे तरीके से, तो मज़ा आ जाएगा। क्योंकि मेरे को इतनी अच्छी लग रही है, जो ग्लॉस है नेक्स्ट लेवल ग्लॉस है भाई, नेक्स्ट लेवल ग्लॉस है।
आपको कैसी लग रही है गाड़ी? बहुत प्यारी, बहुत प्यारी ना। आप ब्लॉग के लिए शूट कर रहे हो? हाँ, ये ब्लॉग में आएगा, ये उससे जल्दी आएगा भाई। सही में मैं थोड़ी देर पहले ना यही बोल रहा था कि मेरा मन कर गया, लेकिन बहुत अमेजिंग है, बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा टच हो गया। स्पेशली इंस्पायर्ड है आपकी गाड़ी से। हाँ, वो एग्जैक्टली इतने सालों से देखते-देखते फाइनली अपनी गाड़ी में बहुत सुंदर लग रही है सर, बहुत अमेजिंग। अलग ही चाम आ रहा है ना, ब्लैक का अलग ही चाम आ रहा है। ऐसी बनानी है मेरी आज, मैंने अमित इससे बम क्या लग डबल टोन में, मतलब हमें जी कैमरे पे नहीं बताना था। नहीं सर, सरप्राइज है ना वो। सब अच्छा, ये सरप्राइज है बताने के बाद। बहुत प्यारी लग रही है, टच हो, बम लग रही है भाई। मेरी दूसरी बीवी आ गई ना, हाँ मेरे, मैं कह रहा हूँ मेरी दूसरी बीवी आ गई ना शाम के टाइम वाली। हेलो। चलो भैया। हाँ बताओ भाई। फिलहाल टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं और अज्जू भाई के साथ निकल गए। अभी जाना था एक्चुअली ना हमें मनीष के एक फंक्शन को अटेंड करने, तो ये वही जा रहे हैं। हाँ वही जा रहे हैं, बट उससे पहले हम ठेके पे जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि अज्जू भाई पीना है। ये देखो प्रोग्राम में जाए और दारू ना पिए, ऐसे हो सकता है? अरे यार लोग सच समझेंगे, ऐसे इतना सीरियस होके तो झूठ भी नहीं बोलता है ना भाई। अभी जा रहे फटाफट वहाँ पहुंच रहे हैं। हनी कह रहे हैं मैं सबसे लेट मैं आया, सबसे पहले पहुंच गया। हमने कहा इसीलिए हम ज्यादा अपना काम वाम निपटा गए। भाई आज मीटअप कैसा रहा? अमेजिंग था भाई, अमेजिंग था। मतलब ये बात करण ठीक नहीं है यार, ये बात तो समझा कर भाई। तू मेरी बात को देख, तो जब मैंने बोला सौरभ भाई को कि हम कल डिलीवरी ले रहे हैं, तो तूने मंडे को क्यों पोस्टपोन किया? मैंने कुछ कुछ पुछ लगा रहा है, क्या गंदे काम कर रहा है तू फोन पे? हमने आ रही बात हुई थी कल लेने के लिए, बात हुई थी हमारी। अरे भाई कुछ था ना प्रॉब्लम, कल नहीं ले पाएंगे। तो आपने ये किसको बोला कि करण ने मना कर दिया आज कर लेने के लिए? करण ने तो कोई भी मना की। विकास भाई बोलो, विकास भाई बोलो। नहीं आग क्या लगा रहा हूँ मैं तो? मैंने कहा बोला था? ओ भाई सुनो, बैंक शॉप तो मेरे घर बैठा है। अच्छा, और मेरे घर बैठा, मैं तो तू इससे लड़वा लग रहा है। एक तो ये देखो सामने, ये तो जा ही नहीं पाएगी भाई गाड़ी। बड़ी गाड़ी का भी दिक्कत है ना। अरे भाई लोकेशन भेज दे कहीं प्लॉट में करे हम तो। अरे लोकेशन भेज दे भाई। कैसे भाई? भाई लेट हो गया चावल लेके। भाई भाई मैं डायरेक्ट ऑफिस से आ रहा हूँ, इसकी वजह से लेट हूँ। ये आया ही नहीं टाइम पे यार। अच्छा भाई ऊपर वाले तो साढ़े दो और हन्नी मेरे को छोड़ के आ गया, नहीं तो हन्नी के साथ आता मैं भाई। मुझे पहले आना था, पहले आके खड़ा हो गया था। मैं ना इसके इसके उस पे गया तब मैं पहले पहुंच गया। मैंने कहा भाई मैं पहुंच गया हूँ, कोई और आया है? कह रही नहीं तू आया। मैं कहा अच्छा, यहाँ मैं 2 घंटे लेट पहुंचा हूँ तब भी पहले पहुंच गया। मुझे लगा सारे आ गए होंगे, मैंने कहा चल लेट चलता हूँ थोड़ा सा। मैं कौन है? कह रहा मैं भी, ये कह रहा मैं भी घर से निकला हूँ, और वो कह रहा मैं भी घर से निकला हूँ। यार सुनो मेरी बात, मैं बता दूं तुम्हें सीन क्या होता है हमेशा। हेलो बाय गाइस। हाँ अपने अपनी गाड़ी, मेरी गाड़ी ऑफिस पे है। बाय। ये सही हो रहा है ना यूट्यूबर्स का? हाँ ना, पांच गाड़ियां लेकर आया, पांच गाड़ियां भाई पैसा वाले। और पांच सुनो, पांच अलग अलग बार बाय होता है। तुम्हारी दीप तुतारी नशे में हो तुम। ये एडिटिंग में कहा चल बाय। दोने बाय नहीं किया। मुझे अभी रियलाइज हुआ जब मैं व्लॉग की एडिटिंग कर रहा हूँ कि कल मैंने व्लॉग एंडिंग नहीं किया था। तो गाइस कर देते इस व्लॉग को यहीं पे खत्म। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नए तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं कल के व्लॉग में। टिल देन पीस।